बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर शाहिद मकबूल। टुडे 24 दिसंबर 2020, इंग्लिश क्लास 9th ओल्ड के लेक्चर में आज हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज 5 का मुताला करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 5 में हमें ये बताया गया है कि आपने इस एक्सरसाइज को फ्यूचर इनडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ फिल करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलूँ कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस क्या होता है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल एक्शन दैट इज़ येट टू टेक प्लेस, यानी एक ऐसा काम जो अभी होना हो, मुस्तकबिल में होना हो, फ्यूचर इनडेफिनिट कहलाता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड, ये कब इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी सिंगल एक्शन को, जिसको अभी होना हो, उसको बयान करना हो, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल एक्शन दैट इज़ येट टू टेक प्लेस। इसका मेथड ये है कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, विल, शैल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो विल शैल के बाद आपने नॉट लगाना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। इसी तरह अगर इसका कोई इंट्रोगेटिव हो तो आपने विल शैल को शुरू में लगाना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इस टेंस, इसी एक्सरसाइज में हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करने का भी कहा गया है। तो जिस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ होना होगा वहाँ हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू रूल इस्तेमाल होना है वहाँ हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बनाने का तरीका यह है कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, विल, शैल, बी, आई एन जी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए उसको भी अगर नेगेटिव बनाना हो तो आपने विल, शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है और फिर आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपने विल, शैल को जब शुरू में लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाने के बाद बी लगाएंगे और उसके बाद आई एन जी वाली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो कि एग्जांपल्स होती हैं किसी भी मशक से पहले, वो बड़ी अहम होती हैं। आप यहाँ दी गए फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं इस मेथड के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। अब देखें, पेज नंबर 167 पर ये एक्सरसाइज दी गई है और इस एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप गौर से देखें। दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। Tomorrow, it means के this action of leaving is yet to take place. The court will give its verdict on Thursday next. I shall see him next Monday. Dear students, these were the examples of future indefinite tense. Now, a few examples from future continuous tense. We shall be taking her lesson. We shall be taking her lesson in music in the morning. You know, in the morning. और दूसरे एग्जांपल में देखें, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, यहाँ पर देन। और तीसरी एग्जांपल में दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम, तो इन द मॉर्निंग, देन, एट दैट टाइम, ये वो पॉइंट्स हैं जो ये जाहिर करते हैं कि काम जो है इस वक्त जारी होगा। आइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस दिया हुआ है, यू नॉट अंडरस्टैंड इट, यू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो इसका करेक्ट आंसर है यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 5 पहला मशक का पहला जो सेंटेंस दिया उसको करेक्ट करना है, वो दिया हुआ है यू नॉट अंडरस्टैंड इट, तो उसकी करेक्शन होगी यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। दूसरा है, दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, दिस वॉच नॉट कॉस्ट वेरी मच, इसका करेक्ट ये होगा दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, इसमें ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट का है। उसके बाद है, शी वर्क हार्ड फॉर द कंपिटिशन, तो इसका आंसर क्या होगा, शी विल वर्क हार्ड फॉर द कंपिटिशन। नंबर 4 पे दिया हुआ है, आई फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम,
तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आई शेल फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर टाइम। नंबर फाइव में दिया हुआ है आई नॉट हैव मच मनी, तो इसका क्या होगा, आई शेल नॉट हैव मच मनी, आई शेल नॉट हैव मच मनी। और नंबर सिक्स में दिया हुआ है वट यू डू एट फोर, एट फोर यू नो दिस इज अ पॉइंट वेयर द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम, इट मीन्स कि वट यू डू एट फोर, वट विल यू बी डूइंग एट फोर, तो आंसर क्या होगा, वट विल यू बी डूइंग एट फोर। नंबर सेवन पे अगेन दे ट्रेवल ऑल नाइट, तो आंसर क्या होगा, दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। और नंबर एट पे है आई वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, आई शेल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, आई शेल वेट फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। और लास्ट में दिया हुआ है शी लर्न हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग, शी विल बी लर्निंग हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जिसका ताल्लुक फ्यूचर इनडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस से था, हमने इस एक्सरसाइज को आज फेल किया है। और ये एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट एंड एग्जामिनेशन दोनों लिहाज से अहम है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसका सोल्यूशन भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा, जो इसके सेंटेंसेज और जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। इसका मेथड आपके सामने मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस का लिखा हुआ है, साथ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और भी बता दी है कि कब कब इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेसन है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसके बारे में कोई बहम हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम।